हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। आज की इस क्लास में आप सभी भारत वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। हम श्री प्रभुपाद द्वारा लिखित नारद भक्ति सूत्र का श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञान के विनाश से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मुनि ददान्ति स्वपदम्। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी यदि नमस्ते। सारस्वते देवे गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्य प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य आनंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासाधु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मेरी आवाज क्लियर है? तो हमने अभी भक्ति की परिभाषा जो कि सेकंड वो है पार्ट है इस नारद भक्ति सूत्र का, उसमें हमने कुछ सूत्र पढ़े अलग अलग ऋषियों के द्वारा कि भक्ति की क्या परिभाषा हो सकती है। अब 19वें श्लोक में स्वयं नारद मुनि जो कि सूत्र पात्र हैं इस नारद ग्रंथ के, उन्होंने भी भक्ति की परिभाषा दी। उन्होंने भक्ति की परिभाषा दी, नारद तु तत अर्पित अखिल आचरात तद विस्मरणेन परम व्याकुला इति। क्या बोल रहे नारद मुनि की भक्ति का मतलब क्या होता है कि अपने कर्मों को भगवान के अर्पण करना तथा उनके विस्मरण में परम व्याकुल होना ही सभी चीजों को क्या करना, तद अर्पित अखिलम आचरत आचारता तद अर्पित अखिल आचरता सभी आचरण सभी चीजें भगवान को अर्पित करते हैं। और क्या करते हैं सेकंड बात बोले तद विस्मरेण परम व्याकुलता तद विस्मरेण परम व्याकुलता। ये दो बातें जो है इसका मतलब भक्ति होता है कि भगवान को सब कुछ अर्पित करना और उनके विस्मरण में व्याकुल होना ही भक्ति है। तो तात्पर्य है कि पूर्व में नारद ने तीन ऋषियों के अनुसार भक्ति की तीन परिभाषाएं, तो हमने देखा था पीछे श्लोकों में कि पहला पराशर मुनि ने, फिर गर्ग मुनि ने, फिर शांडिल्य मुनि ने भक्ति की परिभाषा दी। तो सबसे पहले बताया गया था कि विभिन्न प्रकार के भगवत पूजन में अनुराग ही भक्ति, ये पराशर मुनि ने कहा है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि भगवान के संबंध में अथवा भगवान द्वारा कथित कथाओं आदि में श्रवण में जो अनुराग होता है उसको भक्ति कहते हैं, ये गर्ग मुनि ने कहा है ना। उसके बाद हमने पढ़ा था कि आत्म रति के आस्वादन में सभी बाधाओं का निष्कासन करते है ना, ये जो था इसको भक्ति का, इसको शांडिल्य मुनि ने कहा है ना, कि जो हमारे भगवान की भक्ति में जो हमें आह्लाद या आनंद प्राप्त होता है वो आनंद में जब बाधा पहुंचने लगती है उन बाधाओं को निकालना ही भक्ति। तो अब नारद मुनि स्वयं परिभाषा दे रहे हैं कि भक्ति का क्या मतलब होता है। तो वो बताते हैं कि भगवान को सभी कर्म अर्पित करना और उनके विस्मरण में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। तो भगवान के सभी रूपों में भगवान श्री कृष्ण जो वो परम आकर्षक है, इसी प्रकार समस्त वैष्णव में वृंदावन में कृष्ण के शुद्ध भक्त श्रेष्ठ है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने घोषणा की थी कि वृंदावन में गोपियों द्वारा प्रतिपादित कृष्ण भजन से बढ़कर कोई पद्धति नहीं। यहाँ नारद मुनि कहते हैं कि भगवान को क्षण भर भी भूलने में शुद्ध भक्त को परम व्याकुलता होती है, किंतु गोपियों के लिए कृष्ण को भूलने का कभी प्रश्न ही नहीं था। उनके स्मरण में इतनी मग्न थी कि वे अपने घर गृहस्थी के कर्तव्य का भी पालन नहीं करते। घनिष्ठ प्रेम प्रसंगों में गोपियां कभी कृष्ण पर कृतज्ञता का आरोप लगाती, वे कृष्ण को भूलने की इच्छा व्यक्त करती, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाती। गोपियों के मुख्य श्रीमती राधा रानी इस प्रकार कहती थी, हम कृष्ण के विषय में सब जानते
एवं यह भी जानती है कि वो कितने कृतज्ञ है। किंतु समस्या तो यही, इतने इतने निर्दयी एवं कठोर हृदय होते हुए भी उनकी चर्चा बंद करना हमारे लिए कठिन होता है। न केवल हम ये चर्चा बंद करने में असमर्थ है, अपितु महान ऋषिगण संतगण भी उनकी चर्चा में पवित्र होते हैं। हम वृंदावन की गोपियां इस सांवले युवक और अधिक मित्रता करनी नहीं चाहते। इस सांवला सा युवक है, इससे अब हम कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते, किंतु हम नहीं जानते कि हम उसके विस्मरण एवं उनकी क्रियाओं की चर्चा को कैसे छोड़े। तो हम देखते हैं कि इस जगत में, भौतिक जगत में हम जो जीव हैं, हम ये सोचते हैं कि भगवान को कैसे स्मरण करें। तो गोपिया का है कि हम कैसे भूलें, ताकि हमारा कुछ दुख दर्द कम हो, किसी और काम काज में हमारा मन लगे, है ना। तो दोनों उल्टी उल्टी दिशा में है। हम लोग भगवान को याद कैसे कर, उसके लिए इतनी साधना कर रहे हैं, हरे कृष्णा करते हैं, कि इतने सारे क्लासेस करते हैं, इतनी सारी साधना करते हैं कि भगवान याद आ जाए, है ना, कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाए, ऐसे हम करते हैं। और वहां गोपियां क्या कह रही है, थोड़े समय के लिए भूल जाए, क्योंकि वो भी उनसे नहीं, कि भूलने में भी चर्चा किसकी करती है, कृष्ण। तो उनसे कृष्ण भूले नहीं जाते। अत्यधिक विनम्रता बस भगवान चैतन्य ने एक बार कहा था, उन्हें कृष्ण के प्रति बूंद भर भी प्रेम नहीं, क्योंकि भगवान के प्रेम में सदैव डूबे रहते थे। उन्होंने एक एग्जाम्पलरी प्रेजेंट किया शिक्षा सिस्टम के रूप में, है ना, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझे एक रति भी भगवान के प्रति नानु अनुराग, मेरा कोई अनुराग नहीं। वे दावा करते थे कि यदि वास्तव में कृष्ण से प्रेम करते तो उनके बिना वे कैसे जी पाते, तो मर गए होते, है ना, उनको मर जाना चाहिए था, लेकिन वो मरे नहीं, यानी वो जीवित हैं, तो उनको कृष्ण से प्रेम नहीं है। महानता है, प्रेम विहीनता को प्रमाणित करने के स्थान पर ऐसा भाव उसके ठीक विपरीत प्रमाणिकता है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रति परम श्रेष्ठ शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण। जब ये व्यक्ति को शुद्ध प्रेम होता है तो उसे ये लगता है कि उसका प्रेम जो है सबसे तुच्छ है, पता नहीं भगवान उसको एक्सेप्ट करते थे या नहीं करते थे। एकदम क्या बोलते हैं इसको, दीनता का भाव रहता है ना। जीव जो है वो अकिंचन है, भक्त अकिंचन होता है। कुंती महारानी कहती है, अकिंचन के धन आप, इनके पास कुछ नहीं है, उनके धन आप। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान स्वयं कृष्ण है और वो आस्वादन कर रहे हैं वो विभाव, लेकिन फिर भी कह रहे हैं मुझे कृष्ण के प्रति कोई प्रेम नहीं, है ना, अनुराग। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु अथवा गोपियों के लिए कृष्ण को कभी भी भूल पाना संभव ही नहीं था, तथापि वे अपने बिछुड़ने की पीड़ा का अनुभव करते। ये कितना अलग अनुभव है कि कृष्ण कभी भी उनसे छूटते नहीं है, लेकिन फिर भी विरह का अनुभव वो करते हैं, जो कि माधुर्य रस का विप्रलंब भाव, सर्वोच्च रस। तो माधुर्य रस में दो रस पाए जाते हैं, एक होता है जिसे मिलन का भाव और एक में जो होता है विरह का भाव। तो ऐसा कहते हैं कि द्वारिका की रानियों से जो राधा रानी का जो विरह भाव है, उस भाव में ज्यादा कृष्ण भक्ति की अनुभूति हो सकती, है ना। तो माधुर्य भाव होते हैं, माधुर्य भाव में एक जो होता है जो जिससे भगवान कृष्ण उनके पति के रूप में रहते हैं, संग रहते हैं, और दूसरा भाव रहता है कि भगवान उनको छोड़ के चले गए हैं वृंदावन से और द्वारिका में। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने जो सातवां शिक्षा अष्टकम श्लोक बोला है, उसमें वो बोलती है, जैसे गोपियां बोलती है वैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, युगा आयतम निमिषेन आंखों से आंसू झर रहे तथा मुझे सारा जगत जो है वो शून्य। जब आप नहीं होते कृष्ण तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, हमें जगत ही शून्य लगता है, है ना। शून्य इदम जगत सर्वम गोविंद विरहे। और भौतिक जगत में हमारा क्या होता है,
जब हम कृष्ण की थोड़ी ज्यादा भक्ति कर लेते हैं तो हमें शून्य दिखाई देने लगता है कि हमें मेटीरियल वर्ल्ड एंजॉय करने को नहीं मिलता, और मतलब बहुत हो गया, आज हमने 2 घंटे पढ़ाई कर ली, 3 घंटे क्लास कर ली और 64 आवर्स कर लिया, तो मच 2 दिन तो ब्रेक बनता ही है उनको 2 दिन ब्रेक लेते हैं ताकि हम सामान्य हो सके। और यहाँ पे बोल रहे कि एक क्षण एक युगों के बराबर है ना। और यहाँ नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति की एक आवश्यक अंग है कि सब कर्मों को भगवान की सेवा में अर्पित करें। ये भक्ति सभी कर्मों को क्या करना है, भगवान को अर्पित करें। भौतिक जगत में पाए जाने वाले समर्पण से कृष्ण के प्रति ये जो समर्पण है ये सर्वांगीण है ना। इसीलिए आप नवदा भक्ति में देखते हैं श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरण, जो नवदा भक्ति है इसमें आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन में अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दिया, भक्त अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया है ना, यहाँ तक कि अपने आप को। यहाँ पे वही बात कर रहे हैं कि जब कोई भक्ति करता है और अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देता है उसी को भक्ति कहते हैं, क्योंकि कृष्ण सृष्टि के सर्वस्व है। अब देखिए प्रेम का विषय कृष्ण होने चाहिए, यानी जीव को अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना है, कहीं आसक्ति डेवलप करनी है, कहीं प्रेम डेवलप करना है, तो अगर वो कृष्ण के साथ करेगा तो उसको सही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो अपना इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है, भौतिक जगत जड़ पदार्थों के साथ अपना इन्वेस्टमेंट करता है, आसक्ति डेवलप करता है, या तो शरीर से संबंधित लोगों से, इसलिए उसको रिजल्ट नहीं मिलता, उसको बदले में धोखा मिलता है, कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि कोई भी जीव दूसरे जीव को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फिलॉसफी कि हम सब अंश हैं, पार्ट एंड पार्शल, अंश भी नहीं, मतलब अंश के भी छोटे से टुकड़े, बहुत छोटा हमारा साइज है, और हमें पूर्ण के साथ रहने की आदत है, कृष्ण के साथ रहने की, उनके पास सब क्वालिटीज है। इसीलिए आप देखिए हम अगले व्यक्ति में सब कुछ देखना चाहते हैं, वो अच्छा भी होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, धनी भी होना चाहिए, सुंदर भी होना चाहिए, बलशाली भी होना चाहिए, वो फेमस भी होना चाहिए, उसमें वैराग्य भी होना चाहिए, है ना, सब कुछ होना चाहिए अगले में। इसीलिए जब हम वहां पे फुलफिल नहीं कर पाते वो सारी डिमांड तो हम फ्रस्ट्रेट होते, क्योंकि हमें पूर्ण से पूर्ण के साथ रहने की, कृष्ण के अंश है ना, तो हमें कृष्ण को देखने की आदत, लेकिन वो हम एक्सपेक्टेशन एक अंश के साथ हम करते हैं, एक पार्ट के साथ करते हैं, कैसे हो? इसलिए हमें कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती, या हमें कभी भी सुखद रिजल्ट प्राप्त नहीं होता, हमें धोखा प्राप्त होता। तो जब हम अपनी आइडेंटिटी पहचान सही समझ तो हमें कभी भी निराशा का अनुभव नहीं, क्योंकि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है। भगवान जो है वो जीव की हर अभिलाषा पूर्ण करने में सक्षम, इसलिए जीव जब भगवान से कनेक्टेड होता है तो पूर्णता का अनुभव करता है। जबकि इस जगत में उसके पास कई चीजें हो सकती है, हो सकता है भक्त बहुत गरीब, हो सकता है भक्त के जो हेल्थ ठीक नहीं हो सकता है भक्त को ठीक से दिखाई नहीं देता, हो सकता है भक्त को ठीक से बोल नहीं पाता हो सकता है भक्त को टॉर्चर बहुत किया जाता है ना, मतलब कोई भी परिस्थितियां फेवरेबल नहीं, लेकिन भक्त को अपूर्णता का एहसास नहीं होता अगर वो भगवान से कनेक्टेड हो। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हमने ईशोपनिषद में ये श्लोक पढ़ा था है ना, इवोकेशन मंत्र है, मंगलाचरण था, उसे बताया था कि भगवान जो होते हैं वो पूर्ण है,
भगवान से जितनी चीजें भी निकलती हैं, भौतिक जगत, भगवान का और नाम धाम, वो भी पुण्य है, तो कोई भी इनकम्प्लीटनेस नहीं है, लेकिन हम उसको अपूर्णता का अनुभव करते हैं दिन भर। हम दिन भर अपूर्णता का अनुभव करते हैं, तो हम अपूर्णता का अनुभव क्यों करते हैं? क्योंकि हमने कनेक्शन गलत रखा, हमने अपनी पहचान पहले गलत रखी है और उस पहचान के आधार पर हमने कनेक्शन गलत, एक्सपेक्टेशन गलत व्यक्ति से है। तो हमें अपनी पहचान पहले समझनी होगी कि हम वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर सोल। और अगर हम एक अणु आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, तो हम किसके हैं? भगवान कहते हैं ममे वांशो जीवो, सारे जीव मेरे मेरे अंश हैं। और ये जब मुझसे जुड़ते हैं तो प्रेम प्रकट होता है, इनमें संतुष्टि और आनंद की फीलिंग होती है। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? मनः सृष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करिष्यति। ये मन और इंद्रियों की जो इनकी ग्रॉस और स्थूल शरीर है, इसको प्राप्त करके ये संघर्ष कर, मैं आनंदमय का सागर, मैं समस्त रसों का सागर, मैं आनंद अखिल आनंद मूर्ति, और मेरे जीव मेरे अंश होकर वो अपूर्णता आनंद का अनुभव कर। द रीजन क्या है? हमने गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर। इस शास्त्र हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगर हम सीख नहीं रहे हैं, हम अपनी पहचान ठीक नहीं कर रहे हैं, हम अपना सब्जेक्ट नहीं ठीक कर रहे हैं, हम अपनी इन्वेस्टमेंट ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें कभी भी रिजल्ट मिलने वाला। आज समाज की स्थिति या भारत में जितनी भी चीजें चल रही हैं, आप देखिए कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या, कितना चीजें फैली हुई। कभी कभी घबराहट होने लगती है कि भगवान क्या होगा इस देश का, सनातन धर्म का क्या होगा, क्या ऐसे ही अत्याचार हमेशा होता रहेगा, ये कहां तक इसका एंड आएगा, क्या जो कश्मीर में चीजें हुई थी क्या हम लोगों के साथ होने में कितना टाइम लगने वाला है, कैसे सर्वाइव करेंगे फिर सब, क्या होगा स्त्रियों का, क्या होगा सनातन धर्म का, क्या होगा। कभी कभी बहुत प्राण होती है किसको सुनकर, जब हम बाहर की न्यूज से नॉलेज लेते हैं। आज गुरु महाराज कह रहे थे ना, कली पुराण से जब हम न्यूज लेते हैं तो हम क्या होंगे, अपूर्णता का अनुभव करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा खाली अपने भागवत धर्म से शिक्षा लीजिए, देखिए आप पूर्णता का अनुभव करें। केवल एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, हू यू आर, हू, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी कास्ट के हो, अगर ये सर्च करने लगे हम लोग कि हम हैं कौन, हम अणु आत्मा है, और आत्मा जो शांति की जो खोज कर रही है, वो खोज उसकी कहां पूरी होगी, जब वो कृष्ण से, क्योंकि उसका अंश है। आप किसी भी देवी देवताओं को देख लीजिए, किसी भी पॉलिटिशियन की सेवा कर लीजिए, किसी भी अपने धर्म गुरुओं की सेवा कर लीजिए, आपको कभी कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, धोखा मिलेगा। इसको कहते हैं चीटिंग रिलीजन, कैतब धर्म। मनुष्यों के साथ कैतब धर्म किया जाता है, आसपास जो भी टीचिंग है वो हमें कैतब धर्म की तरफ लेके जाते हैं, सो कॉल्ड धर्म। इसीलिए उन कैतब धर्म का पालन जब हम करते हैं तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं, ना उनसे रिजल्ट सेटिस्फाइड आता, और हमें घबराहट होती है। जब भागवत गर्जन करके कहता है धर्म प्रोजित कैतब, ये भागवत धर्म में कैतब धर्म का वर्णन नहीं है, भागवत में केवल केवल शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्ति का निरूपण किया गया, इसमें सकाम कर्म नहीं बताया गया, इसमें शुद्ध भक्ति का निरूपण किया। इसलिए श्रीमद् भागवतम पढ़कर, भगवत गीता पढ़कर, वो लोग जो कृष्ण को कुछ भी नहीं जानते, भगवान की शुद्ध भक्ति करें, अभी इसी कलयुग में कर रहे हैं। जिनको बात समझ में आई है, जिन्होंने कभी कृष्ण के नाम को नहीं जाना है ना, जो कभी कुछ नहीं जानते, लेकिन श्री प्रभुपाद का जब भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम ग्रंथ पढ़ा है तो वो अपने आप को कनेक्टेड फील करता है, और फील करते ही उनका क्लेश समाप्त हो जाता है। ये है कृष्ण भक्ति का पहला लक्षण, क्लेश अग्नि और शुभदा तुरंत तुरंत जीव फील करता है। तो ये कौन करता है? आज
अटैच कर सकते हैं, जो भगवान के शुद्ध प्रतिनिधि होते हैं वो ये ज्ञान प्रोवाइड करते हैं। तो क्या फील करते हैं हम, संसार दावन नर हीर। अभी मैं ज्यादा फील करती हूँ जब मैं ये गाती हूँ कि जितना आप डीपर अंडरस्टैंडिंग करेंगे श्रीमद् भागवतम का, चैतन्य चरितामृत का और हमारे आचार्यों के ग्रंथों का, आप देखेंगे कि संसार दावर नल ली नलू प्राणाय कारण धना कर। अगर प्रभुपाद का नॉलेज नहीं हो हमारे पास, सब मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इस परंपरा को हमें पहले ग्रहण करना है, उसके बाद हमें इसका प्रचार भी करना है। तो नारद मुनि ये सब इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आपको, हम सभी को ये इम्पोर्टेंट बता रहे हैं कि भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, सभी कर्म भगवान को अर्पण करना चाहिए, यानी भगवान के कहे अनुसार, इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलना चाहिए। ये सिंपल सी थ्योरी है। और नहीं कर पाने पर व्याकुल होना, यही भक्ति है। हम जब नहीं कर पाए, इसको नहीं कर पाए, इसमें व्याकुल हो। जब वे बता रहे हैं भगवत गीता में 6.30 में भी भगवान कहते हैं कि योमा पश्यति सर्वत्र सर्व च मई पश्यति तस्या अहम् न प्रणश्यामि न च मे न प्रणश्यति। यह अर्जुन, जो मुझे सर्वत्र देखता है, सभी जीवों में हर जगह वो जानता है कि भगवान से चीजें उत्पन्न हुई है, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, कोई जीव हो, है ना, कोई वृक्ष हो, कुछ भी हो, जड़ चेतन कुछ भी हो, हमारे आसपास हमारे जो इधर उधर जितनी भी चीजें हैं, ये भगवान की संपत्ति है। सर्वत्र भगवान को देखता है और सब सबको मुझ में देखता है। वो मुझे सर्वत्र देखता है, सभी चीजों में भगवान को देखता है और सबको मुझ में देखता है। और जब कृष्ण का दर्शन करता है तो जानता है कि सब भगवान के ही है, मैं उसके लिए कभी भी अदृश्य नहीं रहता। वो जानता है कि अगर वो बोल पा रहा है तो बोलने की शक्ति क्या है, भगवान की, है ना। हम जब जल पीते हैं तो उसका स्वाद कौन है, कृष्ण है। हम देख पा रहे हैं तो जो देखने की शक्ति है वो कौन है, कृष्ण। बाहर जो रूप है वो क्या है, वो सभी भगवान है। सर्वत्र भगवान को देख सकता है, उसके लिए कहीं भी ऐसा पल नहीं आता कि भगवान नहीं है, हमेशा भगवान उसके साथ रहते हैं। और वो जानता है हृदय में परमात्मा के रूप में तो भगवान है ही, कभी भी जीव अकेला नहीं। यहाँ पे आगे बताते हैं कि भौतिकतावादी को इंद्रिय तृप्ति में बहुत रुचि रहती है, एक भक्त का प्रेम उन्माद प्रतीत हो सकता है, किंतु कृष्ण के प्रति प्रेम वास्तव में व्यक्ति का सत्य का स्पर्श कराता है कि कृष्ण ही सब कुछ है। इसीलिए मैंने आपको एक थोड़ी सी भूमिका बनाई कि हमने इन्वेस्टमेंट गलत जगह कर लिया। हम प्रेम करना चाहते, जीव बिना प्रेम के रह नहीं सकते, जीव किसी किसी को प्रेम करना चाहते, जीव किसी की प्रेममय सेवा करना चाहते, किसी के संग रहना चाहता है, हंसना चाहता है, बोलना चाहता है, वो समाज के साथ रहना चाहता है ना। और वो समाज कैसा हो जिसमें ईर्ष्या ना हो, द्वेष ना हो, आपस में प्रेम हो, स्नेह हो, ऐसा समाज चाहिए हमें। लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट गलत कर रखी है, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं। तो जब हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कृष्ण में, हम अपने जो चीजें हैं उनमें कृष्ण को शामिल कर देते हैं, तो माया का जो प्रभाव है वो निकल जाता है, कलयुग का जो दोष है वो निकल जाता है। गुरु महाराज जी कह रहे हैं कृष्ण भक्ति कलयुग के दोष में जो कलह है उसको निकाल, है ना, कलह को निकाल दे। अगर कलयुग में कई प्रॉब्लम है, कलयुग दोष निधे राधन अस्ति एक महान गुण, महाराज बोल रहे हैं। क्या महान गुण है, कीर्तनार्थ कृष्ण, भगवान कृष्ण का नाम। ये कौन बताएगा, ये श्रीमद् भागवतम बताते हैं, ये भगवत गीता हमें बताती है। तो यहां से जब हम नॉलेज लेते हैं तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। कोई पूछ सकता है कि कृष्ण के विरह में भक्ति में अत्यंत व्याकुलता का अनुभव, हमने जो श्लोका 18 में पढ़ा उससे विरोध हो सकता है। तो 18 में शांडिल्य ऋषि क्या कहते हैं, शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि भक्ति को आत्मरति का आनंद बताया है, और यहां बता रहा है कि विरह में रहना है ना। नारद मुनि कह रहे हैं कि व्याकुल रहना है भगवान के लिए, व्याकुल या विरह रहना है।
इसको भक्ति कहते हैं। लेकिन शांडिल्य मुनि बोल रहे थे कि जो आनंद मिलता है उसमें जो बाधा आती है उसका निष्कासन ही भक्ति है। वहां तो भक्ति को आनंद में बता रहे हैं और यहाँ को विरह में बता रहे हैं। तो ये दोनों तो विरोधाभास शब्द हैं, आनंद में और विरह। लेकिन दिक्कत क्या है, हम मेटीरियल जगत की चीजों को आध्यात्मिक जगत में इंप्लीमेंट करते हैं। आध्यात्मिक जगत जो पराशक्ति है वहां पे अचिंत भेदा भेद तत्व काम करता है। लेकिन मेटीरियल जगत में जो द्वैत होता है, ईर्ष्या होती है, ऐसा होता है। मेटीरियल जगत में सुख और दुख अगर कृष्ण के लिए अनवरोध होता है तो दोनों में आनंद रहता है। समझ रहे आप? भगवान के साथ अगर विरह भी होता है तो उसमें भी आनंद होता है। और भगवान के साथ हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं तो वो भी आनंद होता है। समझ गया? जब द्वारिका की रानी कृष्ण के साथ रहती हैं, उनके साथ अलग अलग लीलाएं चल रही हैं, तो आनंद का विषय है। लेकिन राधा रानी गोपियों के साथ जो विरह का अनुभव कर रही है तब भी वो कृष्ण का स्मरण कर रही है, कृष्ण उनके साथ है। विरह हो रहा है लेकिन मेटीरियल लोगों की जैसे हम लोग वियोग करते हैं वैसा नहीं कर रहे, क्योंकि कृष्ण क्या है, कृष्ण क्या है, कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। माता जी दोनों में आस्वादन हो रहा है ना, दोनों में आस्वादन है। जबकि भौतिक जगत में क्या होता है, विरह में दुख होता है ना। कोई व्यक्ति कोई बहुत प्यारा व्यक्ति हमारा शरीर छोड़ के चला जाए तो हम रोते हैं, तो बहुत विरह का अनुभव होता है ना। जब कोई भी दुख प्राप्त होता है, कोई हमें दुख देता है, प्रताड़ित करता है, या कोई डिजीज हो जाता है तो हमें दुख का अनुभव होता है ना, हम रोते हैं, पीड़ा होती है। लेकिन भक्ति में ऐसा होता नहीं है, भक्ति में उसमें भी आनंद है। तो श्रीमद् भागवतम में समझाएगा, बताएगा कि जब एक माँ प्रसव पीड़ा करती है, प्रसव जो है वो पीड़ा जो है वो बहुत ही वेदना युक्त, लेकिन माँ को आनंद प्राप्त होता है क्योंकि सिर्फ उसका पुत्र प्राप्त होने वाला, तो प्रसव पीड़ा उसके लिए खराब नहीं होती है, वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट है प्रसव पीड़ा को, क्योंकि उससे एक बालक का जन्म होता है, उसका अपना बालक। उसी तरह भगवान की लीलाओं में जो विरह का अनुभव कर रही है श्रीमती राधा रानी गोपियां, वो विरह भी आनंद, बोलते हैं माधुर्य रस की पराकाष्ठा भाव। देखिए, है ना, संयोग और वियोग दो होता है। कहते हैं कि संयोग से ज्यादा वियोग में भगवान का नजदीकिया, भगवान के बारे में अलग अलग रस और प्रेम की अनुभूति हो। क्योंकि उसमें क्या करते हैं वियोग में, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वियोग में क्या होता है, केवल कृष्ण सामने हो ऐसा नहीं, हर चीज का आलंबन कृष्ण में होता है। विरह में तमाल का वृक्ष देखने से काला है कृष्ण है ना, यमुना काली है कृष्ण, कृष्ण का अनुभव होता है। मतलब एवरीवन क शब्द निकलते ही ओ कृष्ण ना, एवरीथिंग 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 आप देखेंगे तो हम कृष्ण से कनेक्ट कर देते हैं, सभी चीजों को कृष्ण में बना विरह में ज्यादा होता है। तो संयोग में ऐसा नहीं होता, इसलिए कहा जाता है कि विरह जो है वो ज्यादा उत्कृष्ट रस है भगवान के प्रेम को करने के लिए। यहाँ पे बोलते हैं यहाँ पे विरोधाभास है, लेकिन ये यहाँ पे बता रहे हैं प्रेम के स्तर पर स्थित व्यक्तियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले आध्यात्मिक भावों के क्षेत्र में दुख तथा सुख दोनों ही परिपूर्ण एवं आलादनीय कार्य है ना। समझ में आ रही बात सखी स्वरूपा, समझ में आ रही है बात कि भक्ति में जो हम विरह भी है, क्लियर हो रहा है आपको भी कि भक्ति में ऐसा नहीं होता कि दुख वाला, जैसे हम अभी भौतिक जगत में रोते रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रोना भी भगवान के लिए आनंद का अनुभव होता है। या वो देखिए बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे विरोधाभास नहीं है। शांडिल्य मुनि जो बोल रहे हैं कि आनंद में जो अगर कोई बाधा आ रही है उसको निष्कासन को भक्ति कहते हैं, तब भी हम वही कार्य करेंगे भक्ति में कार्य, और जब हम भगवान के विरह में रहेंगे तो क्या करेंगे, वही कार्य करेंगे भक्ति उन्मुख कार्य। तो प्रोसेस कहा बात
कही जा रही है अलग अलग दिशा से, लेकिन इसमें कोई विरोध नहीं। बता दे, मनोधर्मी लोग जो होते हैं, कनिष्ठ भक्त, ये नहीं जानते, ये सब क्लू नहीं है, सब क्लू नहीं। जैसे रशियन डिवोटी ने अभी ब्रजमंडल परिक्रमा जो है रशियन भाषा में गुरु महाराज का ट्रांसलेशन करके पब्लिश किया, कितने प्रसन्न थे गुरु महाराज का। तो डॉक्टर में बोल रहे थे, तो जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने कहा इट्स क्रिएट रेवोल्यूशन इन रशिया, महाराज लाइक दिस व्हाट ही इज रिपीटिंग आफ्टर मी, ओह रेवोल्यूशन इन दिस। मैं और भी कहना चाहती थी लेकिन एक मिनट के समय में हम ज्यादा बोल नहीं। हाँ, ये क्रांति ही उत्पन्न करेगा। आज महाराज फिर इसको रिपीट कर रहे थे, हाँ ये चेतना की क्रांति डेवलप कर रहा है। मेरा कहना था, क्योंकि नोबडी हैव अ क्लू ऑफ गुड किंगडम ऑफ गॉड, नोबडी हैव क्लू। किसी को पता है कि भगवत धाम होता है? दुनिया में किसी को पता ही नहीं है कि भगवत धाम होता है, वृंदावन धाम, यहाँ के हम बसे। वी बिलोंग टू दिस प्लेनेट बट वी डोंट हैव एनी क्लू। जब हमें क्लू ही नहीं रहेगा तो हम प्राप्त करने के कैसे प्रयास करेंगे? तो ब्रजमंडल को रशियन भाषा में जब वो करेंगे, वो अपनी भाषा में जब ये रशियंस पढ़ेंगे, तो उन्हें क्लू प्राप्त होगा हम है कौन और कहां से मिला, ये ब्रजधाम है क्या, ये कृष्ण है क्या। अच्छा, ब्रजधाम क्या ये यही धरती पर भी? हाँ हाँ है। कौन कौन से प्लेसेस हैं, ऐसे ऐसी जगह, ये लीला हो, ये लीला हो, ये लीला पढ़कर भगवान के प्रति आसक्ति का। तो दे डोंट हैव क्लू, यही बात है। तो मनोधर्मी होते हैं, भगवान की भक्ति नहीं जानते हैं, वो इन विरोधाभास का अनुभव करते हैं कि भगवान में एक तरफ तो बोला जा रहा है आप आनंद की बात कर रहे हैं, एक तरफ बोल रहे हैं कि आप विरह भाव में होना चाहिए, ये कौन सी बात है? तो आप आनंद का अनुभव कीजिए या विरह का अनुभव कीजिए, बात दोनों है। आनंद के अनुभव में जो चीजें बाधा आ रही है उनका अगर निष्कासन कीजिए, या भगवान के प्रति विरह में रहिए, बात एक ही है। भक्ति कर, कीर्तन करना, नाम जपना, यही करेंगे ना दोनों ही अवस्था में। क्या करें, आनंद किसे मिल रहा है? कीर्तन करने में। बाधा क्या आई कि भाई सुनने नहीं दिया जा रहा है, हमें बहुत ही कामों में लगाया जा रहा है, तो क्या करेंगे, उसको छोड़ेंगे और क्या करेंगे, कीर्तन सुनेंगे। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, विरह में। अब भाई किसी के लिए, किसी व्यक्ति को, किसी चीज, मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति को बहुत प्रेम करते हैं और वो नहीं उपस्थित है, तो क्या करेंगे, उस व्यक्ति का नाम लेंगे, उसकी उसके उसके पास टाइम्स याद करेंगे, है ना, उसका कोई एक दिया हुआ गिफ्ट उठाएंगे, ओ ये ऐसा हुआ था, कोई फोटो उठाएंगे देखेंगे, यू नो क्या कर रहे हैं आप, लीला कीर्तन ही तो कर रहे हैं, नाम भी तो जप रहे हैं उस व्यक्ति का, नहीं कर रहे हैं? तो दोनों बात एक है। दिस इज वेरी वंडरफुल, आई फाइंड इट वेरी वंडरफुल। आई होप आप सबको भी नारद भक्ति सूत्र में ये अच्छा लग रहा होगा, आप सभी वैष्णव है, किंतु हम शास्त्रों में इसका विवरण सुन सकते हैं और आत्मज्ञानी संतों के जीवन में इसे देख सकते हैं। हमें ये विरोधाभास है, ये ऐसा उन लोगों को लगता है जो मनोधर्मी होते हैं या छोटी मानसिकता, कनिष्क अधिकारी है, कम ज्ञान रखते हैं, उनको ये सब हो सकता है। लेकिन ये वर्णन जब हम पढ़ते हैं, भागवत में पढ़ते हैं, तो हम कई लोगों के जीवन में ये दोनों 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 चीज देख पाते हैं। आप देखिए, महाराज है जेजोलिनस लोकनाथ स्वामी महाराज, महाराज के जीवन में सुख और दुख आप दोनों देख सकते हैं उनके गुरु के प्रति। वैसे बप्पू रूप में श्री प्रभुपाद उनके समक्ष उपस्थित नहीं है, ये उनके लिए विरह है कि उन्होंने प्रभुपाद को देखा है और ये भी देखा है कि अभी प्रभुपाद बपू रूप में उपस्थित नहीं, लेकिन उनको कभी श्री प्रभुपाद से वियोग नहीं हुआ। महाराज कहीं भी जाते क्या कहते हैं, श्री प्रभुपाद इज देयर, श्री प्रभुपाद देयर, श्री प्रभुपाद ड्रीम इज देयर, श्री प्रभुपाद स्कॉन इज देयर, श्री प्रभुपाद सेवा इज देयर, you are Srila Prabhupada disciple, you are coming to ISKCON, everywhere he is seeing Srila Prabhupada. उनके लिए विरह भी नहीं, विरह है भी और नहीं, देख सकते हैं ना दोनों भाव। तो भक्त के आत्मसमर्पण का अर्थ यह है कि वो अपनी प्रेममय सेवा के बदले में कुछ नहीं मांगता। This is the uniqueness, this is the love. When we love someone, हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो हम कोई कार्य उधर करते हैं तो उसके बदले में नहीं चाहते, बस उस व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते, that's it, that is love. अहेतुकी अप्रतिहत,
यह आत्मा सुप्रसिद्ध है। भक्ति अहित की होती है और अप्रतिहिता। हम सब भगवान के अंश है ना। जब हम ऐसे कार्य करते हैं जिसमें अहित की होते हैं और अप्रतिहिता होती है, आप देखिए आपको एक अजीब प्लेजर मिलेगा, आपको एक अजीब दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। जब आप कोई ऐसी सेवा करते हैं जो किसी कारण से नहीं होती, प्रेम वश हो, उसका आपको कोई रिजल्ट नहीं चाहिए, लेकिन जब आप वो भक्ति करते हैं या किसी से कराते हैं, जैसे आपने कभी किसी को जप कराया या आपने कभी किसी को श्री प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूट की है, उसका शोक निवारण हो गया, प्रसन्न रहने लगा, उसको दिशा प्राप्त हो गई। आप वो काम कभी करके देखिए, उसके बाद जो आपको जो सुख का अनुभव होगा, आपको पीछे प्राप्त किए गए सभी सुखों में सुप्रीम लगेगा। आपको कुछ मिल भी नहीं रहा है, फिर भी आप बार बार ये सेवा करना चाहिए, इसमें एक अलादनी शक्ति प्रकट होती है। इसके बाद बता रहे हैं कि भक्त के आत्मसमर्पण का अर्थ क्या होता है, कि वो कुछ नहीं मांगता, वो केवल कृष्ण की संतुष्टि चाहता है। निस्वार्थता का अर्थ अहंकार का पूर्ण विसर्जन नहीं है। देखिए, जब हम सब कुछ अर्पण कर रहे हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हमारा अपना अहंकार वगैरह कुछ नहीं रहेगा, हमारा अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, प्राआत्म हनन असंभव है शून्यवादियों की इच्छा के बावजूद, किंतु मिथ्या अहंकार भक्ति सेवा से घुल जाता है, उसके स्थान पर सत्य अहंकार कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं आ जाता। अहंकार कभी डिसॉल्व नहीं होता, हमारा एग्जिस्टेंस कभी डिसॉल्व नहीं होता। अगर हम भगवान की भक्ति करते थे, भगवान मिल जाते हैं, या भगवान के साथ हमारा अपना अहंकार खत्म हो गया, भगवान के अहंकार में मिल जाता है, अब भगवान जो कहेंगे वो करेंगे, ऐसा नहीं होता। हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, रियल अहंकार है कि मैं कृष्ण का हूं, ये रहता है, लेकिन मैं ये शरीर हूं, ये अहंकार खत्म हो जाता है। समझ गए, जब आत्मसमर्पण कर दे तो मतलब क्या होता है, सब कुछ भगवान को अर्पण करना मतलब क्या होता है, तो मतलब होता है कि इसमें जो मैं भाव है कि मैं ये शरीर हूं, मैं करता हूं, इसको हम भगवान को ऑफर करके ये एक्सेप्ट करते हैं, आई एम योर सर्वेंट, मैं आपका दास हूं, मैं आपका नित्य सेवक, ये जो अहंकार है वो आ जाता है। मैं भगवान का नित्य दास हूं, जीव का सच्चा स्व अर्थ स्वार्थ में मुक्ति में नहीं होता। जैसे नारद कहते हैं, अपने सब कर्मों को भगवान को अर्पित करना, हम सब जीव कृष्ण के नित्य अभिन्न अंश हैं, अतः जब हम उनको संतुष्ट करने की पूर्ण संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं, कृष्ण तुष्ट जगत तुष्ट, जब कृष्ण तुष्ट हो जाते हैं तो जगत तुष्ट। इसीलिए मैंने कहा, हम लोग जब इन्वेस्टमेंट अपना प्रेम, अपना सौहार्द, अपना विश्वास जब मेटीरियल जगत में देते हैं तो हमें गलत रिजल्ट मिलता है, और यही प्रेम, यही आसक्ति, यही विश्वास हम जब कृष्ण में इन्वेस्ट करते हैं तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, हमारा भगवत धाम जाना भी सुनिश्चित रहता है और यहाँ पे भी हम सुख का अनुभव। ये कैसा प्रेम, अपूर्णताओं के होते हुए भी अपूर्णता का एहसास नहीं होता। मैंने बोला भक्त तो हो सकता है कि शारीरिक रूप से कुछ अपंग हो जाए, भक्त तो हो सकता है उसके पास कोई धन ना हो, भक्त तो हो सकता है कि उसके मतलब उसकी शादी ना हो या उसको बच्चा ना हो, ऐसे बहुत सी अपूर्णता है जो मेटीरियल जगत के हिसाब से वो हो सकती है, लेकिन उसको अपूर्णता का एहसास नहीं होता है कि वो भगवान कृष्ण से कनेक्टेड है और उसको वो रस मिल। पूर्णता का अनुभव कब करते हैं, धन होता है लेकिन कृष्ण से कनेक्टेड नहीं है ना, धन होता है लेकिन कृष्ण से कनेक्टेड नहीं, सब कुछ होके भी भोग नहीं कर पाए। अब देखें, तो अपूर्णता का मतलब क्या है, अपूर्णता का मतलब है वास्तविक व्यक्ति से संबंध ना हो। जब हम कृष्ण से संबंधित नहीं होते तब अपूर्णता का अनुभव करते, जब हम कृष्ण से संबंधित होते तो भौतिक जगत में बहुत सी अपूर्णता होकर भी हम अपूर्णता का अनुभव नहीं करते, हम प्रसन्न रहते। This is the beauty of Krishna consciousness. यहाँ पे भक्ति में सेवा में नव दीक्षित भक्त निस्वार्थ भाव का अभ्यास प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पण कर सकते।
अभी अभी प्रैक्टिकल बता रहे, भाई कृष्ण है, उनको समर्पण करना है, लेकिन ये इतना कृष्ण को हम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते मटेरियल कंडीशन में, तो हम कहाँ से शुरुआत करें? हम एक अपना प्रमाणिक गुरु चयन करें और उनको अपना सर्वस्व अर्पण। जब हम ये कार्य करते हैं तो गुरु के साथ जब हम सेवा करते हैं तो वही आनंद मिलने लगता है। जब गुरु की सेवा करते हैं कोई रिजल्ट मिलता है, हमको क्या मिलता है? आनंद। वो आनंद हमको समाज का कोई भी कार्य करके नहीं प्राप्त होता, जो आनंद हमें कृष्ण के या गुरु की सेवा करके प्राप्त होता। भक्त को चाहिए कि वो अपना सर्वस्व गुरु की सेवा में अर्पण कर दे और गुरु को सदा अपना शुभाकांक्षी समझे, वेल विशर। जो भक्त गुरु एवं भगवान के प्रति ऐसे निस्वार्थ सेवा का अभ्यास करता है, बदले में कुछ नहीं चाहता, श्रेष्ठतम पुरस्कार पाता है, भगवान का अंतरंग संग, जैसे कृष्ण कहते हैं, मन मना भव बंध भक्त। देखिए नया एंगल दिया है, मन मना भव बंध भक्त। मतलब क्या हुआ? जब हम भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं, है ना, भव मना भव मन मना भव मद भक्त मद्याची नमस्कार मामेव वैश्य सत्यम ते पृथ्वी जानमसि। भगवान भगवद गीता 18.65 में कहते हैं, सदा मेरा चिंतन, चिंतन करके इतना सुख मिलता है भगवान का चिंतन कर, है ना, मेरे भक्त बन। अगर भक्त बनना है तो किसके बना? भगवान करे मेरे भक्त, क्योंकि तुम मेरे हो, और पूजा ही करनी है तो मेरी पूजा। अगर तुम्हें नमस्कार करना है, अगर किसी के सामने तुम्हें सर झुकाना है, तो वो नमन मुझे कर। इस प्रकार तुम निसंदेह मेरे पास आ जाओ। अगर ये चार कार्य करोगे, और गुरु महाराज को ये श्लोक बहुत पसंद है, बार बार गुरु महाराज ये श्लोक बोलते हैं और बार बार एक एक शब्दों को वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे और तुम मेरे प्रिय सखा भी बन जाओगे, बिकम माय बेस्ट फ्रेंड। क्योंकि अगर हम फोर कार्य करें, चार काम करें, तो भगवान के बेस्ट डियरेस्ट बन सकते हैं। मन मना मन कृष्ण को दे, है ना, और मद्याजी भक्त बने तो कृष्ण के। अभी हम इन्वेस्टमेंट सही कर रहे हैं, क्योंकि हम लेडीज हैं, दिल बहुत जल्दी दे देते हैं तो आज आप लोगों को सही लवर से मिलाया जा रहा है, कहाँ दिल देना है। और ये लव सिखाने के लिए हमारे गुरु से लेके हमारे आचार्य तक बैठे हुए, कोई मना नहीं कर रहा है इस प्रेम को प्राप्त करने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है। एवरीबडी ट्रेनिंग अस, तब हमें ट्रेन कर रहे हैं कैसे लव करो, है ना। तो क्या, और जब भौतिक जगत में लव होता है तो पाप है, नोबडी कैन ट्रेन यू, है ना, क्यों? क्योंकि वो गलत इन्वेस्टमेंट है, और ये सही इन्वेस्टमेंट है। इससे प्रामाणिक आचार्य भी आपको बार बार दिखाते हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट करो, भगवान का मन दो, भक्ति करो, पूजा करो, नमस्कार। या नारद मुनि भक्ति की डेफिनेशन एकदम सिंपल दे रहे, क्या, कि सभी कर्म भगवान को ऑफर करना और उनके विरह में भगवान से के लिए व्याकुल होना ही भक्ति। कृपा की जय। आपसे भी एक बार जिंदगी जय। निताई गौर ब्रह्मानंदी हरि हरि। थैंक यू।